हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ काला चना यानी देसी चना की सब्जी की रेसिपी में शेयर करूंगी। वो खाने में थोड़ी चटपटी और खट्टी मीठी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये काला चना लेते हैं। काला चना, ये देसी चना इसको भी बोलते हैं। तो ये चना को धोकर 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। तो ये मैंने भिगो कर रख दिया है और अच्छे से देखो फ्रेंड्स, ये चना फूल कर डबल हो गया है और भीग भी गया है। तो क्या है कि बॉईल करने में आसानी रहती है। चना को कुकर में डाल देते हैं और इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी यहाँ पे एक ग्लास लिया है और स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। और नमक डालने के बाद मिक्स करके कुकर बंद करके इसको बॉईल कर लेते हैं। चना जब तक बॉईल होता है तब तक इस एक साइड दूसरी आगे की प्रोसेस करते हैं। तो एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई थोड़ा गर्म होता है तो इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालते हैं, तेल। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड करते हैं। जीरा थोड़ा क्रैकल हो जाए बाद में इसके अंदर पिंच ऑफ हींग ऐड करके यहाँ पे 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ प्याज लेते हैं और प्याज को अच्छे से सौते कर लेते हैं। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब तक हमें सौते करना है। प्याज को अच्छे से सौते करना है। अच्छे से सौते हो जाए तब तक हमें इसको मिक्स करते रहना है, इसको चलाते रहना है। और प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा अभी चेंज होने लगा है। अभी इसके अंदर हम बारीक चॉप किया हुआ 2 हरी मिर्च लेते हैं, वो ऐड कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर लेते हैं और फिर थोड़ा सौते कर लेते हैं क्योंकि लहसुन का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। ये सौते हो जाए बाद में इसमें एक छोटा वाला टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करके टमाटर को भी सौते कर लेते हैं। सब मसाला और ये सब एक रस हो जाए तब तक हमें मिक्स करना है और चलाते रहना है। अभी इसके अंदर हम ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पकने देते हैं। थोड़ी देर के बाद इसको थोड़े से अच्छे से चला लेते हैं। अभी इसके अंदर हम मसाला कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाला हम ऐड नहीं करेंगे, घर का रूटीन मसाला ही ऐड करेंगे। और नमक यहाँ पे संभाल के ऐड करना है, प्याज और टमाटर के माप का ही करना है क्योंकि हमने चने में नमक ऐड किया है। और अच्छे से ये सौते कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल भी छूटने लगा है और बहुत ही अच्छा ये मसाला वाला एक पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। और अभी सौते होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर सौते हो जाए उसके बाद में हमने चना बॉईल कर लिया है, वो चना इसके अंदर हम डाल देते हैं। देखो फ्रेंड्स, चना थोड़ा फट भी गया है और अच्छे से बॉईल हो गया है और ये चना ये ग्रेवी में हम डाल देते हैं। ये चना खाना बहुत हेल्दी है, इसमें से बहुत अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है और ये चटपटा चना बनता है तो खाने में भी मज़ा आता है। और इसके अंदर अभी हम 1 ग्लास जितना पानी ऐड कर लेते हैं और फिर ढक्कन बंद करके थोड़ी देर पकने देते हैं। थोड़ी देर पकने के बाद अभी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना आप रख सकते हो। और यहाँ पे 2 टीस्पून जितना इमली का पेस्ट ऐड कर लेते हैं, थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा, यानी कि इमली को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/4 कप जितना गुड़ जागेरी ऐड कर लेते हैं।
तो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट ये चना में बहुत अच्छा लगता है। और ये काला चना की सब्जी रोटी के साथ और पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आपको ग्रेवी वाला नहीं बनाना है तो फिर थोड़ा पानी कम ऐड कर सकते हो। और बहुत ही अच्छे से ये हमारी सब्जी देखो बहुत ही अच्छी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। अभी गैस बंद कर देते हैं। लीजिए हमारी ये काले चने की सब्जी बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। ये पराठा और रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।